इसलिए वो सारे बच्चे जो हैं बाकियों के हुनर को ध्यान में रखते हुए अपने हुनर को निखारे और हमारा जो है वो समाज को बनाने में अपना सहयोग और योगदान दें, ये मैं कहूँगा। इस प्रकार के कार्यक्रमों का एनुअल फंक्शन जो हमारा होता है वो इसीलिए होता है ताकि उन बच्चों की पीठ थपथपाई जाए। बहुत सारे विषय जुड़ गए, हरियाली कैसे होनी चाहिए, जंगलों को काटना जो है वो कितना खराब काम है, प्रदूषण के ऊपर कितना फर्क उसका पड़ता है, अच्छी हवा और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं जो यहाँ पे झलक आपने देखी है, मैं कहूँगा ये आज की झलक है। मैं कह रहा था क्योंकि हम इकट्ठे स्कूल में रहे हैं, आगे पीछे कई कई साथी हमारे साथ यहीं से नम्होल स्कूल से निकले हैं। मैं इनसे कह रहा था कि हमारे टाइम में और आज कितना फर्क है कि उस समय ये जो हमारी गतिविधियाँ होती थी बड़ी सीमित होती थी। मैं आपसे कहना चाहूँगा क्योंकि नम्होल जो है वो मिडिल स्कूल हुआ करता, इस इलाके में प्राइमरी स्कूल भी कम होते थे, मिडिल स्कूल नम्होल था। उसके बाद हमारे साथियों को पढ़ने के लिए या तो धुंधड़ जाना पड़ता था या जुखाड़ा हाई स्कूल होता था वहाँ पे जाना पड़ता था। धुंधड़ भी बाद में बना लेकिन जुखाड़ा जो था वो हाई स्कूल पहले का था। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि उसमें जब नम्होल का मिडिल स्कूल होता था कि हम यहीं पे पढ़े हैं, मास्टर साहब बल्ला साहब होते और एक बालकृष्ण वर्मा जी होते थे, वो अध्यापक थे, वो जाने जाते थे बटाई करने के लिए। एक कृष्ण स्वरूप शास्त्री जी होते थे नैना देवी से, वो हिंदी पढ़ाया करते थे, और एक ठाकुर दास जी होते थे, वो पीटीआई होते थे जगात खानदानी पर, ये हमारे चांदपुर से, और एक उर्दू के अध्यापक होते थे यहाँ पे, वो बेरी की तरफ से होते थे। उस टाइम क्या था कि शनिवार के दिन पढ़ाई नहीं होती थी, उसको कहते थे बाल सभा, कि शनिवार के दिन पढ़ाई नहीं होगी और बच्चों को या तो बाल सभा होती थी, वहाँ पे एक रात रानी का बुट्टा होता था और एक शहतूत होता था, शहतूत से जो है ना छठे निकाल के पटाई के काम आता था, और वहाँ पे शनिवार को बच्चों को पहले तो सफाई करनी पड़ती थी ग्राउंड की, और वहाँ पे खेलों का आयोजन भी होता था। ना उर्दू मास्टर पटाई करेगा ना शास्त्री पटाई करेगा, तो शनिवार के टाइम जो है वो हमारी आपके हेडमास्टर साहब और दूसरे लोग ये भी शायद उस समय जो है ना प्राइमरी में भी नहीं हुई है, हो सकता है ना इनका जो है ना आना नहीं हुआ था, लेकिन उस समय मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी अली खड्ड है इससे वादली साइड को कोई स्कूल नहीं होते थे और आयतें भी बड़ी बड़ी होती थी, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग उनका स्टैंडर्ड क्या होता था। उसमें तो ऐसे भी मास्टर थे जिन्होंने पांच पांच करी थी लेकिन उनको JBT का सर्टिफिकेट मिल गया, वो JBT का काम करते थे कि PTI जिसको बोलते हैं या NDSI अब तो जो है ना वो डाइंग कार्डर हो गया, लेकिन उसमें होते थे जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और खेलों को बढ़ावा देने के लिए।